लगता है कि हमें सब कुछ छोड़ के जाना है, ये भी यकीन रखता है कि माले दुनिया से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है इल्ला उसके के जो हम अपनी जिंदगी में ही सर करके चले गए हैं। बाकी देखो मैं तेरी पक्की बात बता रहा हूँ, साल में एक मजलिस अगर किसी की हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, याद रखना, साल में अगर किसी की एक मजलिस हो जाए तो वो मरने के बाद के लिए बहुत बड़ा नसीब वाला आदमी है। इंसान अगर गौर करे तो बहुत कुछ है, और अगर गौर ना करे तो ये खेल तमाशे के सिवा और कुछ नहीं दिखाई देगा। अभी शायद होता है कि हर आदमी समझता है कि मौत हम है, मरना सबको है, एक दिन जाना है, और लेके भी कुछ नहीं जाना है, लेकिन इसके बावजूद इंसान के दिमाग में वो चीज नहीं आती है कि जिसका हुक्म हमें शरीर देता है। और ये चीज उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक हम सही माना में और हकीकी माना में इस्लाम के पैरोकार नहीं हो जाएंगे, और हकीकी माना में वही और आजादारे सैयदुल शुहदा नहीं बनेंगे। बस आखिरी बातें हैं और खत्म कर रहा हूं। देखिए एक हदीस में पढ़ रहा था कि मौला अली जब जाहिरी हुकूमत मिली आपको तो आपने अपने कारिंदों को खत लिखे, जो गवर्नर हैं या कारिंदे हैं इलाकों में भेजे गए उनको खत लिखे। देखिए एक बड़ी आज के हिसाब से हालात हाजिरा के तौर से बड़ी अच्छी बात आपके सामने रखते हैं मौला अली। उन्होंने खत लिखे तो ये लिखा कि देखो तमाम लोगों से कहो कि अपने अपने रिश्तेदारों से मिलते रहे, और इस पे मैं काफी देर तक गौर करता रहा। देखिएगा बस आखिरी बात है, तवज्जो से सुनिएगा। कहा अपने रिश्तेदारों से मिलते रहे, हाँ हाँ कभी झगड़ा नहीं हो सकता। ये मैं
तवज्जो है आपकी, आप नहीं तो उसमें देखिएगा तो हम तो नवाब में ही ये चीज आपको मबादी आपको मिल जाएगी। अब कहते हैं कि इतनी गुंजाइश कहाँ है जो हम ये सब कर पाए। इंडोनेशिया को मैं आपने सुना हो 1200 जजीरे हैं लगभग उसके, वहां शादी उसी वक्त होगी जब लड़का हज कर रहा है। करेगा वो जाने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वो कैसे करेगा वो जाने। जब हमारे अंदर किसी चीज की लगन पैदा हो जाती है, कोहकन सुना है आपने, कोहकन का नाम सुना होगा, और आसान अल्फाज में अर्ज करो तो आप जल्दी पहचान पाए। उसने देखिए ये उर्दू लिटरेचर की एक वो है, उसने पहाड़ काट के और अपने महबूब के महल तक जो है वो नदी निकालने का काम किया। जब इंसान किसी चीज की लगन अपने अंदर पैदा करे तो वो उसके लिए काम मुश्किल नहीं होगा, और जब तक शौक या लगन पैदा नहीं होगी तब तक वो काम बहुत मुश्किल आपको मालूम होगा। आप चाहें जो चीज करके देखिए, अब ये इरादा आप बना लीजिए कि अपने लड़के से कह दीजिए कि देखिए हम शादी उस वक्त तक नहीं कर सकते कि जब तक आप मेहनत करके जमीन खरीद के अपना मकान नहीं बना सकते हैं। वाह 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 सुभान अल्लाह, ये शरीयत का कानून है, हम क्या जाने क्यों। गलती कहां से होती है, पहले वाले से। अगर आपने एक का बना के दे दिया तब फिर सुधार नहीं पैदा हो सकता। भाई इस्लाम कहता है कि सांस की आवाज नहीं जानी चाहिए, और आप बराबर में रह रहे हैं, सांस नहीं वहां। इस्लाम कहता है कि सांस की भी आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए। समझ रहे हैं, बहुत बेहतरीन बात मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। और जब तक ये चीजें नहीं होंगी तब तक आप कितना भी कुछ कर डालिए। आदमी कहते हैं कि देखिए यहां बुराइयां लड़ाइयां इसलिए होती हैं कि एक दूसरे के यहां रिश्तेदारी होती है। इनाम वाला बोल दीजिएगा, रिश्तेदारी एक दूसरे यहां कितनी भी कीजिए, मकान अलग बना दीजिए, अगर लड़ाई हो जाए तो मेरे पास चले। मेराज सआदा एक किताब है, साहिबे मेराज सआदा ने सआदत ने इस जुमले की सिर्फ तशरीह की है। मौलाए कायनात ने, मौलाए कायनात ने अपने कारिंदे को खत लिखा, कारिंदों को, उनसे कहा कि लोगों रिश्तेदारों से कहो कि दूर दूर रहें लेकिन मिलते रहें। इसकी तशरीह में उन्होंने लिखा है कि देखिए एक आदमी के चार लड़के हैं मसलन, ये मैं अपनी तरफ से एक बात अर्ज कर रहा हूँ। चार लड़के, ये बड़ा वाला रह रहा है, ये छोटा वाला रह रहा है, ये उससे छोटा वाला, ये उससे छोटा वाला, या ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला, ये उससे छोटा, इससे छोटा, कभी भी झगड़ा खत्म नहीं होगा। चाहे आप कहीं के अमरीका की लड़की ब्याह के लिए अगर खत्म हो जाए तो हम ये ना कर पाते। क्यों? इस्लाम कह रहा है, इस्लाम कह रहा है कि जब तक उन्हें अलग अलग नहीं रखें। देखिए चार भाई जब तक एक मकान पर रहते रहे, किसी का सर फूट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी की उसके बाद एक भाई जो है वहां रहने लगा, एक दक्षिण पहले चला गया, एक शाहपुर चला गया, एक दूसरी जगह चला गया। अब जो है इंतजार होता है, हेलो भाई महीना हो गया भैया आज आप आए नहीं, बहुत रास्ता आपका देखा। इस्लाम का तो क्या उसमें लिखा है, तशरीह में, बस आखिरी बात है, तशरीह में लिखा है कि देखिए जब पड़ोस में होंगे आप लाए पूर, दूसरे वाली ने देख लिया, देखने के बाद जो है उसने काना फूसी की, इसके बच्चे ने इधर गंदगी डाल दी, ये क्या लेके आया, हसद चुगली कीना, कौन से कपड़े लाई, हम क्या लाए, तुम क्या लाए, होते होते ये इख्तलाफात। ये हजरत अमीर कायनात का नुस्खा है, अमीर मोमिनीन का नुस्खा हमारा नहीं है। आप गौर कीजिएगा, इरशाद होता है, बस खत्म करो, अजान का वक्त हो रहा है, इरशाद होता है, ला तदरी नफ्सुन अय्य अर्दिन तमूत, ये कोई नहीं जानता कि हमें मौत कहाँ आएगी। आयत है ला तदरी नफ्सुन अय्य अर्दिन तमूत, सलावत है मोहम्मद वाले मोहम्मद।
محمد و آل محمد محمد و آل محمد ہر انسان جانتا ہے کہ موت آئے گی مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے سب جانتے ہیں لیکن کیا جانا ہے کچھ نہیں لے کے جانا ہے سب جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود انسان ایت حق مرنا حق وصراط حق بل میزان حق تتار کتبے تمام چیزیں حق ہیں سب کو جانتا ہے لیکن عمل نہیں سب کچھ حق پہ ہے جنت بھی حق ہے روزہ بھی حق ہے صراط بھی حق ہے ہم ہیں ہم حق پہ ہیں بس یہ صرف یہ سوچ جب تک پیدا نہیں ہوگی تب تک معاشرے میں سوچ رہا ہے سب جانتے ہیں مرنا ہے ہر خود ہر بات نہیں کہتا بس اللہ قرآن مجید میں اس کی وضاحت ہے لا تدری نفسوں میں ایا زندہون اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نے کسی کو نہیں بتایا کہ کون کہاں مرے گا واہ پاکستان کے سیٹ پر گئے تھے کہاں سمندر کے بھیتر سمندر کے اندر کیا دیکھنے کے لیے گئے تھے جہاز دیکھنے کے لیے گئے سنی تھی خبر ٹائٹینک ایک جہاز جو آج سے برسوں سال پہلے سمندر میں ڈوب گیا تھا سو سال پہلے جو 80-90 سال پہلے سمندر میں ڈوب گیا تھا ٹائٹینک جہاز اور انہوں نے کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کر دیا بامبے ٹرین نے پاکستان کے تاجر وہ گئے ایک پنڈبی کے ذریعے سے جہاز دیکھنے کے لیے اور وہیں رہ گئے آج تک واپس نہیں آئے واہ 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 لا تدری نفسوں کے یہ عرضِ تموت یہ کوئی نہیں جانتا کہ ہم کہاں مریں گے یقین کتنا بھی انسان کر لے وصیت کر لے کہ ہمیں فلاں جگہ دفن کرنا لیکن جناب اللہ کہہ رہا ہے کہ لا تدری نفسوں کے یہ عرضِ تموت ہم نے کسی کو بتایا نہیں کہ تم مرو گے ہاں مرو گے اتنا بتا دیا اتنا یاد رکھنا کہ ہم نے یہ کسی کو نہیں کہا تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا کیوں پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں عمل میں سب سے اچھا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ قیامت کے دن پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ دھنی ہوئی روئی کی طرح طرح پہاڑ قیامت میں اڑ رہے ہوں گے آپ نے دیکھا ہے روڈ کے کنارے ایک پیڑ کھڑا ہوتا ہے کچھ ہماری عادت ہے تحقیق کرنے سڑکوں کے کنارے کھیتوں میں تو اس میں ایک تبلا پھل آتا ہے ہرا پھل آتا ہے اور جب وہ پھل پک جاتا ہے پکنے کے بعد قدرتی اس کا منہ کھل جاتا ہے اور منہ کھلنے کے بعد اس سے دھنی ہوئی روئی نکلنا شروع ہوتی ہے ایک تو یہ نیچے ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے سیمر کا پیڑ اس کی بھی یہی حالت ہوتی ہے بند ہے اور جب اس کا منہ کھل گیا تو اس سے روئی اڑتی ہے اور اڑتی ہے تو ایسی اڑتی ہے کہ شاہجہاں پور کی روئی ہو سکتا ہے کہ دلی پہنچ جائے ایک اور پیڑ ہوتا ہے کپاس منہ کھل گیا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ قیامت کے دن پہاڑ بھنی ہوئی روئی کے مانند اڑ رہے ہوں گے تو میرے معبود جب پہاڑوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی پہاڑوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا تو کوئی ایسی ٹھوس اور وزنی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی جگہ پر قائم رہ سکے آواز قدرت آئی کہ ہاں وہ تمہارے اعمال ہیں بھنی ہوئی روئی کی طرح پہاڑ اڑ رہے ہوں گے اس دن تمہارے اعمال کا وزن اتنا ہوگا کہ زمین زلزلے میں ہوگی پوری دنیا تہو بالا ہو جائے گی لیکن تمہارے اعمال اتنے وزنی ہوں گے کہ تمہارے قدموں میں لرزش نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ صرف اپنا اعمال دیکھیں گے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا تاکہ ہم دیکھیں تمہیں کہ عمل میں تم نے سب سے زیادہ بہتر جناب والا اگر عملی تصویر دیکھنی ہے عمل کے اعتبار سے دیکھنا ہے آپ کو تاریخ کے کربلا کا سنا
तो
के बाद कहा कि अम्मा जब तक आप मुझे बुलाएंगे नहीं तब तक मैं नहीं आऊँगा। आवाज़ नहीं आई, हुसैन सरहाने खड़े हो, आवाज़ नहीं आई, पैंते की तरफ आके हुसैन खड़े हो गए। لا يمين لا يمين.